हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई हो बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। आज भी हम लोग इतिहास के बहुत ही शानदार प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं और आप लोगों को प्रश्नों को सॉल्व करके बहुत अच्छा लगेगा। चलिए देखते हैं आज आपके लिए क्या खास है और जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज आपका पहला प्रश्न है, भारत में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तांत्रिकवाद के उदय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही नहीं हैं? आपको बताना है बच्चों कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो समाज में तांत्रिकवाद का उदय हुआ उसके बारे में कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है। आपके सामने कथन दिया हुआ है और आपको कूट की सहायता से उत्तर देना है, यानी कि इस कूट की सहायता से आप बताएंगे कि कौन सा आपका सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट है, एक बड़ी संख्या में मूल निवासियों के ब्राह्मण समाज में शामिल हो जाने के परिणाम स्वरूप इसका उदय हुआ। क्या एक बड़ी संख्या में जो ब्राह्मण समाज में जो मूल निवासी थे वो शामिल हुए थे जिसकी वजह से तांत्रवाद का जो है बढ़ावा मिला समाज में? दूसरा है, इसमें महिलाओं को शामिल नहीं किया गया था। क्या ये बात सही है कि जो समाज में तंत्रवाद आया था इसमें महिलाएं शामिल नहीं की गई थी? आपको बताना है बच्चों कौन सा सही नहीं है। क्या पहला सही नहीं है या दूसरा सही नहीं है या दोनों सही नहीं है या कोई भी ऐसा नहीं है जो सही ना हो, यानी कि दोनों सही हैं? तो बताएंगे बच्चों कि आपका कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही नहीं है, जब 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में समाज में तांत्रिकवाद का उदय हुआ था। तो आप सभी को पता होना चाहिए इसमें कौन सा सही नहीं है। तो आपका जो स्टेटमेंट नंबर 2 है ये सही नहीं है। बहुत आसान और कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, क्योंकि आपको पता है कि समाज में अगर तंत्रवाद आया है तो इससे महिलाएं भला कैसे शामिल नहीं होंगी या महिलाएं कैसे अछूती रह सकती हैं। सबसे पहले इन सारी चीज़ों से तो महिलाएं ही ज़्यादा प्रभावित होती हैं। तो आप देखेंगे जो दूसरा है कि इसमें महिलाओं को शामिल नहीं किया गया था, ये स्टेटमेंट आपका सही नहीं है। और आपका पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि बड़ी संख्या में जो मूल निवासी थे उन्हें बड़ व्यवस्था में शामिल करने के लिए ब्राह्मण समाज में दर्जा दिया गया, शामिल किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप तंत्रवाद का विकास हुआ। क्योंकि जो ब्राह्मण हैं यही हर तरह के जो है यज्ञ अनुष्ठान और समाज में जो बहुत सारी रूढ़ियाँ आई हैं, आडंबर आए हैं, कहीं ना कहीं इन्हीं की देन है। और जब इनकी संख्या बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है समाज में ऐसी चीज़ों का भी रेशियो बढ़ेगा। और इस तरह से आपको मैंने बताया भी था कि ये कौन सा यज्ञ होता था, ब्रात्य सोम यज्ञ के द्वारा स्थानीय लोगों को ब्राह्मण समाज में शामिल किया जाता था। ये चीज़ें मैंने पहले भी करवाई हैं, ब्रात्य सोम यज्ञ ही था जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण समाज में जा सकता था। इस तरह से ब्राह्मण समाज में बहुत ज़्यादा लोग आ गए और जिसकी वजह से समाज में बहुत ज़्यादा तंत्रवाद का उदय हुआ था। तो आपका पहला सही है लेकिन दूसरा स्टेटमेंट गलत है। प्रश्न बहुत अच्छा था बच्चों, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से जुड़ा हुआ। आपका अगला प्रश्न भी बहुत ही बढ़िया है और ये प्रश्न आपको कूट की सहायता से बताना है। और आपके सामने प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों का शासन था? यानी कि जब गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ और जब हर्षवर्धन का उत्थान हुआ उस दरमियान जो उत्तर भारत है यहाँ पर किन किन राज्यों का शासन था? पहला है मगध के गुप्त, दूसरा है थानेश्वर के पुष्यभूति, तीसरा है देवगिरी के यादव, चौथा है मालवा के परमार, पांचवा है कन्नौज के मौखरी और छठा है वल्लभी के मैत्रक। प्रश्न बहुत ही बढ़िया है बच्चों, बिल्कुल IAS लेवल का है। आपके सामने 6 ऑप्शन दिए हुए हैं और आपके सामने कूट भी है, आप कूट की सहायता से इसको सही कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि कौन सा है जो कि आपके गुप्तों के जब धीरे धीरे जो गुप्त है इनका पतन हो रहा था और जो है हर्षवर्धन का जो टाइम पीरियड था इसके बीच जो राजवंशों का उदय हुआ वो कौन कौन सा है? तो आप देखेंगे कौन सा सही हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कौन नहीं हो सकता बच्चों। तो आप देखेंगे जो देवगिरी के यादव हैं ये नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड के हैं। अगर ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड के हैं तो ये तो नहीं होंगे। चलिए देखते हैं तीसरा किसमें है। तो आप देख रहे हैं तीसरा जो है ये दूसरे में भी है और आपके तीसरे में भी है, यानी कि दूसरा तीसरा तो हरगिज नहीं होगा। अब आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन हैं, केवल 5वां 6ठा या पहला दूसरा और 5वां। तो आप देख रहे हैं अब आपके लिए काफ़ी आसान हो गया है, क्योंकि आपको पता है कि थानेश्वर के पुष्यभूति होंगे इसलिए आपका 5वां 6ठा केवल हो ही नहीं सकता।
यानी कि पहला, दूसरा, पांचवा 100% होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी आपके लिए आसान हो गया, आपके देवगिरी के जो यादव हैं ये नहीं होंगे। साथ ही आप देखेंगे कि जो आपका मालवा के परमार हैं ये भी नहीं होंगे। मगध में जो गुप्त वंश का पतन हुआ है तो उनके जो अयोग्य उत्तराधिकारी हैं वो हैं अभी, ये तो होंगे ही। थानेश्वर के पुष्यभूति हैं जिस राजवंश के हर्षवर्धन है, ये भी होगा। और कन्नौज के मौखरी हैं, बिल्कुल सही है, ये भी होगा। और बल्लभी के मात्रक, यानी कि आपका पहला, दूसरा और इसके अलावा आपका पांचवा और प्लस छठा, अगर ऑप्शन में छठा भी है तो छठा भी हो जाएगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन होगा आपका पहला, दूसरा, पांचवा और छठा। तीसरा और चौथा ऑप्शन में जो है इसको हटा दिया जाएगा क्योंकि ये टाइम पीरियड इनका नहीं है। तो आपका उस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। हालांकि इसमें आप 6 को भी जोड़ लेंगे तो ये आपका और भी ज़्यादा सही हो जाएगा, पहला, दूसरा, पाँचवा और छठा। तो आई होप बच्चों क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, आप लोगों को बिल्कुल याद होना चाहिए राजवंश और उनसे जुड़े हुए जो हैं जो राजा हैं। तो अब आपके पास अगला प्रश्न फिर से आया बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न भी, और ये भी आपको कूट की सहायता से बताना है। प्रश्नों का लेवल बहुत अच्छा है, एग्जाम में बार बार आए हुए हैं, आप लोगों का एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री हो भी चुका है तो इसलिए अब आपका कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मिल रहे हैं जिसमें एंशियंट और मेडिवल का संक्रमण वाला क्वेश्चन है, जिसमें दोनों क्षेत्रों के प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। इसलिए आप लोगों से ज़्यादा उम्मीद है कि आप लोग बेहतर आंसर देने का प्रयास करेंगे क्योंकि आप लोग एंशियंट और मेडिवल पढ़ चुके हैं, और जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है कि उन्हें बहुत सारी अच्छी अच्छी सी बातें जानने को मिल रही हैं जिसके माध्यम से वो अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, बिकॉज बिना पढ़े कुछ भी नहीं होने वाला। तो आप देखेंगे बच्चों क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें कोई है जो सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन कौन सा सुमेलित नहीं है, कूट है आपके पास, तो देख लेते हैं पहले क्या एक तरफ है। बच्चों ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या, ये जो है एक तरफ राजवंश है और एक तरफ स्थान है, यानी कि एक तरफ आपका राजवंश है, ये आपका राजवंश है, और ये आपका पहला राजवंश है, दूसरा राजवंश है और तीसरा राजवंश है, और सामने उसका स्थान है। क्या मौखरी राजवंश थानेश्वर से जुड़ा है, क्या मैत्रक राजवंश बल्लभी से जुड़ा है, क्या पुष्यभूति वंश कन्नौज से जुड़ा है। बहुत आसान है बच्चों, इसके पहले का जो आपने 6 ऑप्शन वाला प्रश्न किया है उसमें इन सारी चीज़ों को आपने सही किया है, तो आई थिंक आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और ये आपके लिए काफ़ी बढ़िया प्रश्न है और इसमें गलती नहीं करेंगे, इसमें गलती नहीं करेंगे, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, इसलिए आप तो आई थिंक आपने आंसर को ढूंढ लिया होगा आपका कौन सा है जो कि सही सुमेलित नहीं है। बहुत आसान है बच्चों, आपको पता है जो मौखरी वंश है ये थानेश्वर से नहीं बल्कि कन्नौज से जुड़ा है, तो आपका पहला गलत हो गया, और आपका जो तीसरा है ये भी गलत हो गया क्योंकि अगर कन्नौज जो है ये मौखरी से जुड़ा है तो पुष्यभूति कन्नौज से नहीं बल्कि थानेश्वर से जुड़ा हुआ है, इसलिए आपका पहला और तीसरा सही नहीं है और दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी आसान हो गया होगा क्योंकि इसके पहले के प्रश्न में हमने बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को देखा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में आए हुए हैं इसलिए आप इसको गलत नहीं करेंगे, तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा और ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न था। आपका पहला तीसरा सही नहीं है, यानी कि आपका पहला तीसरा सही नहीं है, दूसरा बिल्कुल सही है बच्चों और ये गलती नहीं करेंगे। अब हम आपको अगला प्रश्न लेकर उपस्थित हैं और ये प्रश्न भी आपका बहुत ही बढ़िया है। प्रश्न है, भारत में 300 से 750 ईस्वी के आसपास के समय को ग्रामीण प्रसार और संगठन का समय माना जाता है, इस संदर्भ में दक्षिण भारत के गांव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके सामने ऑप्शन है बच्चों, पहला है उर ब्राह्मणों को दान में दिए गए गांव होते थे, और दूसरा है महाजन और व्यापारी नगरम गांव में रहते थे। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और उम्मीद है कि आप सारी बच्चों मैं चाय पी रही थी तो इसलिए कोई नहीं, आप लोग उत्तर दीजिएगा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और आप लोग इसको बहुत अच्छे से बता सकते हैं। आपका कौन सा सही हो जाएगा, संदर्भ इस मतलब इस संदर्भ में कौन सा आपका सही है, यानी कि ग्रामीण प्रसार और संगठन मतलब भारत में 300 से 750 ईस्वी के आसपास के समय को ग्रामीण प्रसार और संगठन का समय माना जाता है, इस संदर्भ में दक्षिण भारत के गांव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला था
क्या उर ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि है या गांव है? दूसरा है, क्या महाजन और व्यापारी नगरम गांव में रहते थे? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो उपर्युक्त में से कौन सा सही है, क्या केवल पहला सही है या केवल दूसरा सही है या दोनों सही है या ना तो एक सही है ना तो दो सही है, तो आप बता सकते हैं कि कौन सा सही है। आई थिंक आप लोगों ने आंसर को ढूंढ लिया होगा कि आपका कौन सा है जो कि सही है। तो आपका देखेंगे कि जो उर है ये ब्राह्मणों को, सॉरी बच्चों आज आप लोगों को तो अगर डिस्टर्बेंस हो रहा हो तो उसके लिए सॉरी मैं आप लोगों को। हाँ तो बच्चों कौन सा आपका आंसर सही हो जाएगा, और ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न था। आपको पता है कि जो उर है ये ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि नहीं है बल्कि या दान में दी गया गांव नहीं है। आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो उर होता था एक साधारण गांव होता था, सामान्य गांव जिसको उर कहा जाता था। चोल साम्राज्य में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि साधारण गांव को उर कहा जाता था, तो इसलिए आपका पहला जो ऑप्शन है ये सही नहीं है। ये याद रखेंगे बच्चों, उर जो था ये क्या था, सामान्य गांव था, साधारण सा जो गांव होता था उसको उर कहा जाता था, इसलिए आपका पहला ऑप्शन सही नहीं रहा, यानी कि गलत हो गया। दूसरा जो कह रहा है कि जो महाजन है और व्यापारी ये नगरम गांव में रहते थे, ये बिल्कुल सही है। आपको पता है महाजन जो सूद पर पैसा लेने देने का काम करते थे और व्यापारी जो व्यापार का काम करते थे, जाहिर सी बात है आज भी व्यापारी और महाजन ज़्यादातर नगरों में ही निवास करते हैं, तो ऐसा गांव जो नगरम कहलाता था वहां पर महाजन और व्यापारियों का निवास था, तो आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। कॉमन सेंस का प्रश्न था लेकिन उनके लिए जिन्होंने पढ़ा है, तो आई थिंक आपके लिए ये क्वेश्चन अब अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे आपको सही बताना था, तो आपका पहला स्टेटमेंट जो है ये गलत हो गया, आपका ओनली टू जो है ये बिल्कुल सही है, और आपने इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अगला प्रश्न भी बहुत ही बढ़िया है और आपको इसको भी कूट की सहायता से बताना है, तो ध्यान से सारे जो तथ्य हैं इनको सुनिएगा। हजार अस्तंभ मंदिर जो कि तेलंगाना में है के संदर्भ में नल की कथा पर विचार कीजिए। आपको बताना है कि यहाँ पे जो हजार अस्तंभ मंदिर है तेलंगाना में, इसके बारे में कौन से स्टेटमेंट हैं जो कि सही हैं। पहला स्टेटमेंट है इसका निर्माण राजा रुद्रदेव ने करवाया था, क्या ये बात सही है? दूसरा, यह केवल भगवान विष्णु को समर्पित है, क्या ये बात सही है कि ये मंदिर केवल भगवान विष्णु को समर्पित है? और तीसरा, यह काकतीय वास्तुकला का शानदार उदाहरण है। आपको बताना है बच्चों हजार स्तंभ मंदिर जो कि तेलंगाना में है इसके बारे में कौन से स्टेटमेंट हैं जो सही हैं। आपके सामने कूट है, क्या केवल पहला केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है या केवल पहला तीसरा स्टेटमेंट सही है या दूसरा तीसरा स्टेटमेंट सही है या तीनों बातें सही हैं, तो आपके सामने कूट भी है बच्चों और स्टेटमेंट मैंने आप लोगों को पढ़ दिया है, और अगर आप इसे सही करना चाहें बहुत आसान है। जो अच्छे प्रश्न होते हैं उसमें कोई ना कोई वीक पॉइंट होता है, अगर आप वीक पॉइंट को पकड़ लें तो आप बहुत आसानी से बड़े बड़े प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो वीक पॉइंट कौन सा है, आपको पता है यह केवल भगवान विष्णु का मंदिर है हो ही नहीं सकता, ज़्यादातर जो भव्य और बड़े मंदिर होते हैं जिनका बहुत ज़्यादा नाम होता है वो अकेले एक भगवान को समर्पित नहीं होते, जाहिर सी बात है वहाँ पर सब देवालय भी होते हैं सब देव भी होते हैं, तो आपका ये केवल विष्णु को समर्पित है ये स्टेटमेंट सही नहीं है। और अगर आपका दूसरा सही नहीं है तो आप कूट में देख लीजिए, दूसरा आपका पहले में भी है, तीसरे में भी है और चौथे में भी है, कितना आसानी से आपको आंसर प्राप्त हो गया, केवल पहला और तीसरा स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। इसका निर्माण राजा रुद्रदेव ने करवाया था, बिल्कुल सही है, और यह काकतीय वास्तुकला का शानदार उदाहरण है, बिल्कुल सही बच्चों, दोनों स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा जो है ये सही नहीं है बिकॉज ये सिर्फ विष्णु को समर्पित नहीं है, इसलिए गलत हो गया। अब बच्चों एक और क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, बहुत ही बढ़िया है कि जो आपका काकतीय राजवंश है, चूँकि ये काकतीय राजवंश के बारे में ही है, काकतीय राजवंश की एक महिला शासिका जिन्होंने पुरुष बनकर शासन किया था, काकतीय राजवंश की एक महिला शासिका जिन्होंने पुरुष बनकर शासन किया था, लोगों को भ्रम पैदा किया था कि वो पुरुष हैं, तो आपको बताना है वो महिला शासिका कौन थी, ये आपको बताना है वो महिला शासिका कौन थी। तो आपके सामने पहला है रुद्रदमा देवी, रुद्रदमा देवी, और दूसरा ऑप्शन है आपके सामने रानी चेनम्मा, रानी चेनम्मा, रानी चेनम्मा, तीसरा ऑप्शन है प्रभावती, प्रभावती। तो आपके पास बच्चों तीन ऑप्शन है, इन तीनों ऑप्शन में से बताइएगा कि कौन सी
महिला शासिका थी जिन्होंने शुरू में पुरुष बनकर शासन किया और लोगों के मन में भ्रम पैदा किया कि वो पुरुष हैं, और इसलिए क्वेश्चन बहुत आता है। और ये भी आया है कई बार कि वो महारानी किस राजवंश की थी, तो अगर महारानी पूछे तो काकतीय राजवंश की हैं, और काकतीय राजवंश की पूछे तो महारानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। आप सभी लोगों का आंसर जो है बढ़िया आ रहा है, रुद्र दमा देवी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में कई बार आया है, तो आपका ये पहला और तीसरा सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, धर्मपाल कथनों पर विचार कीजिए बच्चों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और विचार करने के बाद आपको क्या बताना है, कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो सारे कूट को ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज सारे कूट में से ही आपके सही कूट जो हैं वो आपको बताने हैं। पहला कूट है, पाल शासक धर्मपाल ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। क्या ये बात सही है कि धर्मपाल ने प्रसिद्ध जो विश्वविद्यालय था विक्रमशिला, इसकी स्थापना की थी। दूसरा है, मिहिर भोज को गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्या ये बात सही है कि मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक थे। तीसरा है, अमोघ वर्ष को काव्य शास्त्र का प्रथम कन्नड़ ग्रंथ लिखने का जो है श्रेय दिया जाता है। तो आपको बताना है बच्चों कि कौन सा स्टेटमेंट है जो कि आपका सही है, क्या पहला दूसरा सही है, या केवल दूसरा सही है, या दूसरा तीसरा सही है, या पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। तो आप देखेंगे बच्चों, पहला तो सही है, तो आपका अगर पहला सही है तो आपका दूसरा तीसरा तो होगा नहीं, यानी कि या तो पहला दूसरा होगा या पहला दूसरा तीसरा तीनों होगा। तो याद रखेंगे बच्चों, आपके जो यहाँ पे दिए हुए स्टेटमेंट हैं ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ये इसमें कोई डाउट ही नहीं कि पाल शासक ने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनाई थी, और मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था, ये भी सही है, और अमोघ वर्ष को काव्य शास्त्र का प्रथम कन्नड़ ग्रंथ लिखने का श्रेय भी दिया जाता है। तो आपका तीनों कथन बिल्कुल सही है, तीनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था और इसको भी आप लोग ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न हम देखेंगे बच्चों कि हमारा अगला प्रश्न क्या है, और ये प्रश्न भी काफ़ी बढ़िया है, और आप देख रहे हैं इसको भी आपको कूट की सहायता से उत्तर देना है, इसलिए कूट को ध्यान से देखिएगा कि कूट में क्या बातें कर रहा है। तो पहले तो प्रश्न है, प्राचीन भारतीय शासक हर्षवर्धन तथा उसके काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, यानी कि आपको हर्षवर्धन के बारे में बताना है कि हर्षवर्धन के बारे में कौन सा कथन है जो कि सही है, और इसमें आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों, हर्षवर्धन के बारे में बताना है। हर्षवर्धन को आप सबने पढ़ा है और ये आप लोगों को पता भी होगा। तो पहला स्टेटमेंट है बच्चों, उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को संरक्षण प्रदान किया था। क्या ये बात सही है कि उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को संरक्षण दिया था। दूसरा, वाहियान ने भारत की यात्रा की तथा हर्ष के कालीन शासन को के बारे में लिखा है। तीसरा, उसके पूर्ववर्ती उत्तर भारतीय शासक वर्षों की अपेक्षा उसका शासन अधिक सामंती एवं विकेंद्रीकृत प्रकार का था। तो आपको बताना है बच्चों, आपके सामने है कूट, कूट में दिया है पहला दूसरा तीसरा तीनों, फिर है पहला तीसरा, फिर है दूसरा तीसरा, और फिर है केवल तीसरा। सही बताना है बच्चों, इसमें भी आंसर प्राप्त करना आपके लिए बहुत आसान है, बिकॉज ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और इसमें आप लोगों को गलती नहीं करना चाहिए। आई थिंक आप इसका आंसर बहुत आसानी से ढूंढ सकते हैं। एलिमिनेट कीजिए, सबसे बढ़िया मेथड एलिमिनेशन का, और सबसे पहले एलिमिनेट किसे कहेंगे, तो हम करेंगे सबसे पहले एलिमिनेट जिस पर हम 100% श्योर हैं कि हमारा दूसरा सही नहीं है। दूसरा सही क्यों नहीं है, आप सबको पता है कि जो फाहियान है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में या सेकंड के दरबार में आए हैं, तो इसलिए दूसरा गलत हो गया। अब मुझे बताइएगा, हर्ष के समय में कौन आया था, कौन सा यात्री था चीन का जो हर्ष के समय में आया था, और जो है उसका नाम क्या था, या जो आपका यात्री आया वो कौन है। तो यहाँ पर आपका अगर दूसरा नहीं है बच्चों, तो आप देखेंगे दूसरा हटाने के बाद आपका क्या बच रहा है, पहला भी हट गया तीसरा भी हट गया, यानी कि केवल पहला तीसरा सही होगा या तीसरा सही होगा। तो आप सभी को पता होना चाहिए बच्चों कि आपका पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और अगर पहला सही है तो पहला तीसरा सही हो जाएगा। उसने बौद्ध धर्म के महायान शाखा को संरक्षण प्रदान किया था, बिल्कुल सही है। दूसरा सही नहीं है क्योंकि फाहियान जो है इनके दरबार में नहीं आए हैं, हर्ष के समय में जो आए हैं उनका नाम आप सभी को पता है, ह्वेन सांग है, ह्वेन सांग आए हैं बच्चों, ह्वेन सांग आए हैं। तो आप मुझे बताएंगे कि ह्वेन सांग जब आए थे उस समय नालंदा का आचार्य कौन था, नालंदा का आचार्य कौन था, नालंदा का आचार्य कौन था, ये क्वेश्चन आया है कि जब जब आए थे वो हर्ष के शासनकाल में आए थे ह्वेन सांग,
तो नालंदा का आचार्य कौन था? तो आई थिंक आपने मेरी बातों को पकड़ लिया होगा, शीलभद्र थे। शीलभद्र जो थे यही नालंदा के उस समय आचार्य थे। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आचार्य और उपाध्याय में अंतर होता है। आचार्य उसे कहते हैं जो निःशुल्क शिक्षाएं प्रदान करता है। वो शिक्षक जो आपको निःशुल्क शिक्षा दे वो आचार्य या आचार्या कहलाएगा, और वो शिक्षक जो आपको शिक्षा देने के लिए शुल्क ले उसे उपाध्याय या उपाध्याया कहते हैं। तो याद रखेंगे बच्चों, ह्वेनसांग आए हैं उस समय नालंदा में, शीलभद्र आचार्य हैं, और आचार्य जो पैसे लेकर के जो फ्री में क्लास देते हैं, जो पैसे नहीं लेते, शुल्क नहीं लेते, उनको कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है और आपको कूट की सहायता से इसका उत्तर भी देना है। आज के आपके सारे प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं, और अगर प्रश्न अच्छे लगते हैं बच्चों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें कि मैम प्रश्न अच्छे थे। हमें अच्छा लगता है आप लोगों का कमेंट, जब भी कमेंट बॉक्स में देखते हैं बहुत एनर्जी मिलता है। जब कभी कोई परेशानी या कोई भी निराशा आती है और जब वर्क करने का मन नहीं करता, उस समय कमेंट बॉक्स में आप लोगों के कमेंट्स को पढ़ के एनर्जी मिलती है और फिर से काम करने की इच्छा होती है। और जब आप लोगों के बहुत अच्छे से कमेंट आते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है और बहुत ज़्यादा वर्क करने का मन करता है। तो बताएंगे बच्चों, पाल साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, तिब्बती वृत्तांत तथा अरब व्यापारी सुलेमान के लेखा बही इस क्षेत्र की सूचना प्रदान करते हैं। क्या ये बात सही है कि पाल साम्राज्य के बारे में जो सूचना है वो तिब्बती वृत्तांत तथा अरब व्यापारी सुलेमान के लेखा बही से मिलता है? दूसरा, पाल राजा भोज के शासन में नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया गया था। क्या ये बात सही है कि पाल शासक के टाइम पीरियड में जो पाल राजा भोज के समय में नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर् जो है संरक्षण या जीवित किया गया था? तो बताना है बच्चों आपका कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही है। आई होप आप इसका आंसर बता सकते हैं, और इसमें भी एलिमिनेट करना आपको क्या केवल पहला या केवल दूसरा या दोनों या कोई नहीं। तो आप सभी को पता है प्यारे बच्चों कि आपका जो दूसरा स्टेटमेंट है ये बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि जो भोज हैं ये गुर्जर प्रतिहार शासक हैं, गुर्जर प्रतिहार शासक हैं, ये आपके पाल शासक नहीं हैं। दूसरा इसलिए गलत हो गया, तो आपका दूसरा गलत हो गया। तो केवल या तो पहला सही होगा या दोनों गलत होंगे। तो पहला सही है, तिब्बती वृत्तांत और अरब व्यापारी सुलेमान के लेखा बही से इस क्षेत्र के बारे में सूचना मिलती है, ये इस क्षेत्र के सूचना का स्रोत माना जाता है। तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं होना चाहिए। अब एक प्रश्न है आपके लिए, प्राचीन टाइम से सिंधु घाटी सभ्यता से बताइएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी फसल नहीं उगाई जाती थी? सभ्यता में कौन सी फसल नहीं उगाई जाती थी? पहला ऑप्शन है गेहूँ, दूसरा है चावल, तीसरा है ईख, और चौथा है कोई नहीं, यानी कि ऐसा कोई नहीं जो ना उगाया जाता हो, सभी उगाए जाते थे। तो बताना बच्चों कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा फसल नहीं उगाया जाता है, या कौन से फसल का साक्ष्य हमें नहीं प्राप्त होता है? तो आपको पता होना चाहिए, आपका जो तीसरा ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। सिंधु घाटी सभ्यता में गन्ने के उत्पादन का कोई साक्ष्य नहीं मिला है, ईख के उत्पादन का कोई साक्ष्य नहीं मिला, ये बिल्कुल सही है। आप सभी को इसका आंसर पता भी है, आप लोग बहुत स्मार्ट और समझदार बच्चे हैं। अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा बच्चों कि कौन सी फसल का उत्पादन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सबसे ज़्यादा करते थे? तो बताएंगे बच्चों, पहला है आपका रबी की फसल, दूसरा है खरीफ की फसल, तीसरा है जायद की फसल, और आपका चौथा है सभी। तो बताएंगे बच्चों कौन सी फसल का उत्पादन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सबसे ज़्यादा करते थे, और इसमें आप लोगों को
भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में जो भी साक्ष्य मिले हैं उसका वर्णन आप देखते हैं और उस आधार पर आप बता सकते हैं कि कौन सा फसल यहाँ पर पाया जाता था। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों, रबी की फसल का उत्पादन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सबसे ज़्यादा करते थे। ये जब नदियों में बाढ़ आ जाता था उस टाइम में कृषि कम करते थे, नदियों के बाढ़ के हट जाने के बाद उस मिट्टी जो उपजाऊ मिट्टी बचती थी उसमें ये उत्पादन करते थे, और ये उत्पादन अक्टूबर सितंबर का होता था। और इस समय आप जानते हैं कि ज़्यादातर रबी की फसल उगाई जाती है जिसमें गेहूँ, जौ और जो दलहनी फसलें हैं ये आते हैं। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता से सबसे ज़्यादा जो उत्पादन का साक्ष्य मिला है वो जौ, गेहूँ और दलहनी फसलों का मिला है। चावल के साक्ष्य मात्र आपके लोथल और रंगपुर से मिले हैं, यानी कि चावल का उत्पादन कम किया जाता था। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देख लेते हैं, और ये प्रश्न आपके चोल साम्राज्य का है। चोल साम्राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इसका उत्तर भी कूट की सहायता से देना है। आपके सामने प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं, कौन सा सही है आपको ये बताना है। पहला है गंगई कोट चोलपुरम शहर राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाया गया था, क्या गंगई कोट चोलपुरम शहर राजेंद्र प्रथम ने बनाया था। दूसरा चोल साम्राज्य में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई नाडू थी, क्या चोल साम्राज्य में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो थी वो नाडू थी। आपके सामने कूट है केवल पहला, पहला दूसरा, केवल दूसरा या कोई नहीं। तो बताएंगे बच्चों बहुत आसान है आप लोगों के लिए, ये सारी चीज़ें लगभग लगभग मैंने जो है व्याख्या के दरमियान बताया है तो गलती नहीं करेंगे। और आप सबको पता है कि जो यहाँ पे कह रहा कौन सा सही है, तो पहला सही है, गंगई कोट चोलपुरम नामक शहर राजेंद्र प्रथम ने बसाया था और गंगई कोट चोलपुरम की उपाधि भी राजेंद्र प्रथम ने ली थी, साथ ही गंगई कोट चोलपुरम नामक मंदिर भी राजेंद्र प्रथम ने बनवाया था। तो इसलिए जब भी ये शब्द आए तो बस राजेंद्र प्रथम को सही कर दीजिएगा, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, नो डाउट। दूसरा सही नहीं है बच्चों, क्यों सही नहीं है, क्योंकि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो गाँव होती है, और जो गाँव है वो उर है, उर गांव को साधारण गांव कहा जाता है जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है। नाडू जो है ये सबसे छोटी इकाई नहीं है क्योंकि ये गांवों का समूह है, गांव का समूह है, समूह है गांव का, और गांव का समूह जैसे कि ब्लॉक होता है कुछ इस टाइप का संरचना था, यानी कि इसमें बहुत सारे गांव आते थे, गांव का समूह था। तो दूसरा सही नहीं है, इसलिए आपका केवल और केवल पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अगला प्रश्न भी बहुत ही बढ़िया है और आपको राष्ट्रकूट के बारे में बताना है कि राष्ट्रकूट साम्राज्य के संदर्भ में कौन सा कथन है जो कि आपका सही है, और आई होप आप इसका आंसर भी बता सकते हैं कि आपका कौन सा है जो कि सही है। तो आपका पहला ऑप्शन है राष्ट्रकूट साम्राज्य ने अपभ्रंश भाषा के विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया, क्या ये बात सही है। दूसरा एलोरा में शैलकृत शिव मंदिर राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम द्वारा बनाया गया था, क्या ये बात सही है। तीसरा है यह साम्राज्य अपने धार्मिक विचारों से सहिष्णु था, क्या ये बात सही है। आपके सामने है कूट कि पहला दूसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है, या दूसरा तीसरा सही है, या कोई भी सही नहीं है। तो बताएंगे बच्चों कि कौन सा आपका है जो कि सत्य है, और ये भी आपके लिए बहुत ही बढ़िया है और इसको आप बहुत आसानी से बता सकते हैं, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा है तो आपके लिए इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आप सभी को पता होगा बच्चों कि आपके तीनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट हैं। कैसे करेक्ट हैं, तो आपको पता है कि राष्ट्रकूट साम्राज्य ने अपभ्रंश भाषा के विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था, यानी कि ये सही है, राष्ट्रकूट शासकों ने जैन धर्म को सबसे ज़्यादा संरक्षण दिया, इनका राजकीय धर्म था, लेकिन इसके अलावा बाकी धर्मों को संरक्षण दिया और इनके दरबार में बहुत सारे विद्वान भी रहते थे, इसलिए अपभ्रंश भाषा भी अपने आप में शामिल हो जाएगा। जब हर भाषा का विद्वान है तो जाहिर सी बात है अपभ्रंश भाषा का भी होगा। तो पहला सही है, दूसरा क्यों सही है, ये तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये इंडिविजुअल रूप से एग्ज़ाम में अनगिनत बार आया है, नेट के एग्ज़ाम में मैंने खुद ये प्रश्न दो तीन बार देखा है। तो आपको बताना है बच्चों कि क्या ये बात सही है, बिल्कुल सही है, एलोरा में शैलकृत शिव मंदिर राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने बनाया है, और ये एलोरा का ही नहीं विश्व प्रसिद्ध शैलकृत शिव मंदिर है, याद रखिएगा विश्व प्रसिद्ध शैलकृत शिव मंदिर है ये, जिसको राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने बनवाया है, तो इसलिए इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों, यह साम्राज्य अपने धार्मिक विचारों में सहिष्णु था, बिल्कुल सही है, आपको पता है कि सहिष्णु किसे कहते हैं, ऐसा समाज
जो सभी धर्मों को संरक्षण दे, सभी धर्मों को मान्यता दे, सभी धर्मों के प्रति अच्छे विचार रखे, ऐसे ही समाज को, ऐसे ही शासक को सही सुड़ शासक कहा जाता है। तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि जो जैन आपके राष्ट्रकूट हैं, इन्होंने विभिन्न धर्मों को संरक्षण दिया है। और इसका आपके पास जीवंत उदाहरण है एलोरा, जिसमें हर तरह के राजवंशों के लिए इन्होंने गुफाएं और चैत्य बनवाए थे, और हर तरह का जो मतलब धर्मों का यहाँ पे विहार भी मिलता है। तो आपके पास हर तरह का साक्ष्य है बच्चों राष्ट्रकूटों के बारे में, तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि आपका तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों बातें बिल्कुल सही है बच्चों। नेक्स्ट है आपके सामने फिर से बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, प्रतिहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुर्जर प्रतिहारों के बारे में बताना है आपको बच्चों, और यहाँ पे आप देखेंगे आपका जो प्रश्न है ये भी कूट की सहायता से बताना है। तो सबसे पहले तो कथनों को देख लेते हैं। आप देखेंगे ये पहला आपका हो जाएगा कथन, ये दूसरा हो जाएगा और ये तीसरा हो जाएगा। पहला कथन क्या है, इस साम्राज्य के राजा भोज ने आदि बरा की उपाधि धारण की थी, क्या ये बात सही है। दूसरा, महाल संस्कृत कवि, महाल नहीं यहाँ पे बच्चों महान होगा, महान संस्कृत कवि और नाटककार राजशेखर राजा महिपाल के दरबार में रहते थे। और तीसरा, बगदाद यात्री अल मसूदी इस साम्राज्य को अल जुजरू, याद रखिएगा बच्चों अल जुजरू के रूप में नामित किया था, क्या ये बात सही है। तो आपको बताना है बच्चों इसमें से कौन से स्टेटमेंट हैं जो कि सही हैं, पहला दूसरा तीसरा तीनों आपके सामने हैं, और आपके सामने कूट भी है, पहला दूसरा सही है, पहला तीसरा सही है, या दूसरा तीसरा सही है, या तीनों सही हैं। तो आप कूट की सहायता से आंसर दे सकते हैं, और आई होप आपको इसका आंसर पता होगा। आपका पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इस साम्राज्य में राजा भोज बहुत ही शक्तिशाली शासक थे, और इन्होंने आदिबारा की उपाधि धारण की थी, और महान संस्कृत कवि नाटककार राजशेखर महिपाल के दरबार में थे, ये भी सही है, और बगदाद यात्री अल मसूदी ने साम्राज्य को अल जुजरू के रूप में नामित किया था, ये बात भी बिल्कुल सही है। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि किस राजा के मृत्यु पर विद्वानों ने कहा कि जो विद्वान हैं और जो सरस्वती हैं दोनों निराधार हो गए हैं, निरालंब हो गए हैं, यानी कि उनको आधार देने वाला कोई नहीं है, ना तो सरस्वती को और ना ही विद्वानों को, कौन सा वो राजा था। पहला है ऑप्शन महीपाल, दूसरा है आपका नागभट्ट, और आपका तीसरा है भोज, और चौथा है कोई नहीं। तो आपको बताना है कि कौन से राजा के मृत्यु पर यह स्टेटमेंट कहा गया कि अब विद्वानों और सरस्वती को आश्रय देने वाला कोई नहीं रहा, दोनों निरालंब हो गए हैं, निराधार हो गए हैं। तो ये क्वेश्चन बच्चों कई बार आया है, इसलिए इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। जो राजा भोज हैं ये बहुत बड़े विद्वान थे, इन्होंने खुद भी बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, और इन्होंने बहुत सारे विद्वानों को संरक्षण दिया था, इसी वजह से इनकी मृत्यु पर कहा गया कि अब विद्वान और सरस्वती दोनों निराधार और निरालंब हो चुके हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न था, एग्जाम में बार बार आया था, इसलिए मैंने आप लोगों के सामने इसको रखा था। नेक्स्ट बताएंगे बच्चों, ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इस साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस मतलब पाल साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पाल साम्राज्य में केवल बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया गया था, क्या ये बात सही है। दूसरा, नालंदा महाविहार की स्थापना पाल शासक धर्मपाल द्वारा की गई थी, क्या ये बात सही है। और क्या आपको बताना है कि क्या पहला दूसरा दोनों सही है, और क्या पहला तीसरा सही है, या केवल दूसरा तीसरा सही है, और क्या केवल पहला दूसरा सही है। याद रखेंगे बच्चों यहाँ पे तीन का कूट दे रहा है, तो यहाँ पे तीसरा कूट भी ले लीजिए आप मुझसे। तीसरा कूट है पाल शासक दक्षिण पूर्व एशिया के साथ संबंध रखते थे। तो आपको बताना बच्चों कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही नहीं है, सही नहीं बताना है। तो उस हिसाब से आप देखेंगे यहाँ पे कौन सा सही नहीं है, बहुत ही आसान है, कोई दम नहीं प्रश्न में।
आपको पता है ना, पाल साम्राज्य केवल बौद्धिस्ट धर्म को संरक्षण देता था, ये बात तो बिल्कुल भी सही नहीं है। जो महान शासक होते हैं वो कभी भी एक धर्म को संरक्षण नहीं देंगे, वो कई धर्मों को संरक्षण देते हैं। और पाल साम्राज्य में धर्मपाल जैसे शासक हुए हैं जो कि काफ़ी अच्छे शासक हैं। दूसरा कह रहा, नालंदा महाविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल द्वारा की गई थी। तो ये भी आपको पता है कि नालंदा महाविहार की स्थापना धर्मपाल ने नहीं किया है, बल्कि किसने किया है, कुमार गुप्त फर्स्ट ने किया है। कुमार गुप्त फर्स्ट ने किया है, ये चीज़ याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस हिसाब से आपका पहला दूसरा स्टेटमेंट सही है, सॉरी गलत है। और तीसरा जो है ये सही है कि पालों का जो शासन था ये दक्षिण एशिया के साथ संपर्क रखता था, दक्षिण पूर्व एशिया के साथ इनका संबंध था। तो पहला दूसरा गलत हो गया बच्चों, तीसरा आपका सही है, इसलिए तीसरा नहीं होगा। और अगर तीसरा सही है तो आप देख रहे हैं वैसे भी आपका पहला दूसरा ही ऑप्शन में गलत में आएगा। नेक्स्ट बच्चों, ये भी आपके लिए प्रश्न बहुत ही बढ़िया है और आपको इसको कूट की सहायता से बताना है। आपके सामने प्रश्न है और साथ ही आपके सामने ऑप्शन भी है। पहला आपका जो ऑप्शन है वो है, एक तरफ राजा है दूसरी तरफ राज्य हैं। पहला शासक गढ़वाल शासक है, क्या इनका राज्य कन्नौज में था। दूसरा चौहान शासक, क्या ये अजमेर में थे। तीसरा है परमार शासक, क्या ये मालवा के थे। तो आपको बताना है बच्चों कि कौन सा स्टेटमेंट है जो कि आपका सही है। और ये भी आपके लिए अच्छा प्रश्न है और इसमें आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भी एग्ज़ाम में कई बार आया हुआ प्रश्न है। तो आप देखेंगे अगर आप इस तरह से आप मिलाना चाहें तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं कि जो आपका चौहान है ये आपके अजमेर में है तो दूसरा सही है, और दूसरा आपके तीसरे में नहीं है इसलिए आपका तीसरा हट गया, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो परमार शासक है ये मालवा में थे, ये भी सही है, यानी कि दूसरा तीसरा जो है आपका सही है। तो दूसरा तीसरा अगर सही है तो पहला भी हट गया, यानी कि पहला तीसरा नहीं होगा, या तो दूसरा तीसरा होगा या पहला दूसरा तीसरा तीनों होगा। तो आपको पता होगा कन्नौज में जो शासन था वो किसका था, मौखरियों का था। मौखरियों का जो शासन था वो कन्नौज में था। जो गहड़वाल हैं ये बाद के टाइम में कन्नौज पर अधिकार करते हैं। तो यहाँ पे आपका इस हिसाब से तो तीनों ही सही हो जाना चाहिए, जो गहड़वाल हैं ये कन्नौज, और जो चौहान हैं अजमेर, और जो परमार हैं ये मालवा, यानी कि पहला दूसरा तीसरा तीनों ही कथन इस हिसाब से आपका करेक्ट हो जाना चाहिए, यानी कि तीनों भी आपके क्या हैं, सुमेलित हैं। गढ़वाल जो है ये भी बाद के समय में शासन किए हैं, साथ ही मौखरी वंश का भी शासन कन्नौज पर रहा था, गढ़वाल और मौखरी दोनों ने यहाँ पे शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, गुप्तोत्तर काल में धार्मिक परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि गुप्तों का जब पतन हुआ उस दरमियान जो समाज में धार्मिक परिवर्तन आए थे उसके बारे में कौन सा कथन है जो कि आपका सही है। तो आपके सामने कूट मतलब प्रश्न दिए हैं और इसको कूट की सहायता से बताना है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। पहला है, पंच देवता में इंद्र को प्रमुख स्थान प्राप्त था। क्या गुप्तोत्तर काल में पंच देवता में आपके जो इंद्र हैं इनको प्रमुख स्थान दिया गया था, क्या ये बात सही है। दूसरा स्टेटमेंट है आपका, इस काल में विष्णु शिव और दुर्गा यह तीनों प्रमुख देवता बन गए थे, क्या ये बात सही है कि गुप्तोत्तर काल में जो विष्णु हैं शिव हैं और दुर्गा हैं ये आपके महत्वपूर्ण देवता बन गए थे। आपको बताना है बच्चों, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है आपका, गुप्तोत्तर काल के बारे में कौन सा सही है। तो चलिए एलिमिनेट करते हैं, एलिमिनेट करेंगे तो आपका पहला जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि जो इंद्र है ये ऋग वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता हैं और ये इस समय के हो ही नहीं सकते। तो अगर आपका पहला नहीं होगा तो आप देखें ना तो पहला होगा और ना तीसरा होगा, तो या तो आपका दूसरा होगा या कोई नहीं होगा। तो यह आपका जो दूसरा है ये बिल्कुल सही है, गुप्तोत्तर काल में ही यानी कि बाद के समय में ही तो विष्णु शिव दुर्गा ऐसे देवता जो है प्रमुख हो गए, क्योंकि ना तो इनकी पूजा ऋग्वैदिक काल में महत्वपूर्ण है ना तो उत्तर वैदिक काल में महत्वपूर्ण है, ये बाद के समय में ही पॉपुलर देवता बने हैं। यानी कि शुरुआती दौर में आप देखेंगे बच्चों मानव जीवन में भगवान जैसी चीज़ें नहीं थी। हाँ, जो आपके अंतरिक्ष के देवता हैं, आकाश के देवता हैं, पृथ्वी के देवता हैं, ये ऋग्वैदिक काल उत्तर वैदिक काल में थे, लेकिन जो आपके अलग से जो ये भगवान आए हैं जैसे शिव हैं, जैसे दुर्गा हैं, जैसे कि अन्य देवी देवता हैं, इन सब का बाद में धीरे धीरे करके लोगों ने अपने जीवन में शामिल किया, ये शुरुआती दौर में ये भगवान हमारे जीवन में नहीं थे। तो आपका जो दूसरा है ये बिल्कुल सही है, लेकिन जो आपका पहला स्टेटमेंट है ये आपका गलत हो गया। तो सही बताना था आपको, तो दूसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है लेकिन पहला आपका सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सातवीं सदी में सांस्कृतिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन है आपका, सातवीं सदी में सांस्कृतिक विकास के बारे में आप लोगों को बताना है। आपका कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही है, कूट की सहायता से बताना है बच्चों, इसलिए सारे स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िएगा। पहला स्टेटमेंट है, सातवीं सदी में संस्कृत के गद्य और पद्य की अलंकृत शैलियों का प्रचलन बढ़ा, क्या ये बात सही है। दूसरा, गद्य में अलंकरण की पराकाष्ठा बाण की कृतियों में पाई गई है। और तीसरा, सातवीं सदी में देव प्रतिमाएं केवल प्रस्तर की बनाई जाती थी, क्या ये बात सही है कि सातवीं सदी में केवल पत्थर की ही मूर्तियां बनाई जाती थी। तो ये प्रश्न भी बच्चों बहुत ही इजी है, हर बड़े प्रश्न का एक वीक पॉइंट ज़रूर होता है, और जब वो वीक पॉइंट मिल जाता है तो प्रश्न बहुत आसान हो जाता है। और ये प्रश्न तो आपके लिए बिल्कुल आसान हो चुका है, बिकॉज तीसरा आपका नहीं होगा। अगर आपका तीसरा नहीं है तो आपका दूसरा भी नहीं होगा, आपका तीसरा ऑप्शन भी हट गया और आपका चौथा ऑप्शन भी हट चुका है। आपके पास अपना आंसर प्राप्त हो चुका है, केवल पहला और दूसरा सही हो जाएगा। कूट वाले प्रश्न बहुत ही आसान हो जाते हैं अगर आप एलिमिनेट करना जाने, उसमें से कोई पॉइंट का अगर आप वीकनेस पकड़ लें तो आप बहुत आसानी से आंसर को प्राप्त कर लेते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि आपका पहला दूसरा सही है लेकिन तीसरा सही नहीं है। और क्यों सही नहीं है, सबको पता है कि शुरू से लेके आखिरी तक आज भी मिट्टी की मूर्तियाँ, पत्थर की मूर्तियाँ, धातु की मूर्तियाँ आज भी बनती हैं। प्राचीन काल में सिंधु घाटी सभ्यता में भी बनती थी, साथ ही आप देखेंगे मध्यकाल में भी बनती थी। तो हमेशा से जब तीनों प्रकार की मूर्तियाँ पाई जाती हैं तो कैसे आप यहाँ पे कह सकते कि केवल पत्थर की मूर्ति बनाई जाती थी, तो ये गलत हो गया बच्चों। तो आपका पहला दूसरा बिल्कुल सही है कि सातवीं सदी में संस्कृत के गद्य और पद्यों का अलंकृत शैलियों का प्रचलन बढ़ा था, और साथ ही जो आपके गद्य में अलंकरण की पराकाष्ठा वाण की कृतियों में पाई जाती है। तो आपका पहला दूसरा सही है लेकिन तीसरा सही नहीं है। अब आपके लिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है बच्चों, आईएएस का प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे ये धातु मूर्ति किस विधि से बनाते थे, धातु मूर्ति का निर्माण किस विधि से करते थे, आपको ये बताना है। पहला विधि है इनका मधुछिष्ट विधि। दूसरा है लॉस्ट वैक्स तकनीक। तीसरा है लुप्त मोम पद्धति। और चौथा है कि सभी। तो आपको बताना है बच्चों कौन सी विधि के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धातु मूर्तियों का निर्माण करते थे, धातु मूर्तियों का निर्माण कौन सी विधि से करते थे, मधुछिष्ट विधि से, लॉस्ट बैक्स तकनीक से, लुप्त मोम पद्धति से, या सभी पद्धतियों से। बहुत ही बढ़िया पद्धति है ये, सिंधु घाटी सभ्यता ने ईजाद किया था इसको और ये आज तक इसका उपयोग लाया जाता है, आज भी इस पद्धति को जीआई टैग मिला हुआ है। तो ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है बच्चों, और आई होप आपको पता होगा कि ये चौथा जो ऑप्शन सही है, यानी कि तीनों विधियों का उपयोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे। साथ ही और भी जवाब दीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो मिट्टी की और प्रस्तर यानी कि पत्थर की मूर्तियां हैं इसको बनाने में कौन सी विधि का उपयोग करते थे, इसका आंसर बच्चों चाहे आप अभी दीजिए अगर पता है, और अगर नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आप लोग उत्तर नहीं देते हैं कमेंट बॉक्स में, आप लोगों से प्रश्न पूछने का मात्र एक ही जो है रीज़न होता है कि आप लोग ढूंढेंगे तो आप लोगों को आ जाएगा, अगर नहीं आ रहा है तो ज़रूर ढूंढने का प्रयास किया कीजिए, और अगर आ रहा है तो तुरंत से जवाब दीजिए। अगर ढूंढने से भी नहीं मिलता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा कीजिए कि मैम इसका उत्तर बता दीजिए। आप लोग पढ़ने वाले बच्चे हैं, सोचने वाले प्राणी हैं, जिज्ञासा हमेशा होनी चाहिए, जिज्ञासा कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। जिस दिन आप जिज्ञासा ख़त्म कर देंगे, जिस दिन आप सीखना छोड़ देंगे, जिस दिन आप नई चीज़ें नहीं सीखेंगे, उस दिन से आपके विकास अवरुद्ध हो जाएगा। और विकास अवरुद्ध नहीं करना है आप लोगों का, इसीलिए तो हर रोज़ आप लोगों को अच्छी और नई नई बातें बताई जाती हैं। तो जब भी कोई भी क्वेश्चन किया जाए आप उसका उत्तर दीजिए, उससे जुड़ी हुई अगर और भी बातें आप जानते हैं तो बेझिझक उसको लिखिए, ये आपकी स्थायी मेमोरी में जाएगा और आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया होगा। तो आई थिंक आपको जो है क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगला जो आपका प्रश्न है, हर्ष के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको हर्ष के बारे में बताना है और ये भी कूट की सहायता से बताना है, इसलिए सावधानी से चीज़ों को पढ़ना है। पहला स्टेटमेंट है, इसके पदाधिकारियों को शासन पत्र के द्वारा भूमि देने का प्रथा चलाई, यानी कि जो हर्ष हैं इन्होंने क्या पदाधिकारियों को शासन पत्र के द्वारा भूमि देने की प्रथा चलाई थी। दूसरा स्टेटमेंट है आपका
कि इसमें राजकीय आय चार भागों में बांटी जाती थी। क्या हर्ष के शासनकाल में राजकीय आय को चार भागों में बांटा जाता था? और तीसरा, उसके राज्य में सुदृढ़ वृद्धि व्यवस्था थी। आपको बताना है बच्चों कि कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही है। तो अगर आपने हर्ष के शासनकाल को पढ़ा है, अगर आपने कहीं नहीं पढ़ा है, मेरी क्लास देखी है जो मैंने आप लोगों को डिटेल में पढ़ाई है, 50 वीडियो का आपका प्लेलिस्ट है एंशियंट हिस्ट्री, उसको देख लेंगे तो सारे प्रश्न आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो आप देखेंगे बच्चों इसमें कौन सा है जो कि सही है और आपको सही बताना है। और यहाँ पे आप देखेंगे, सबसे पहले तो देखते हैं क्या सभी सही हैं। तो आप देखेंगे सभी सही नहीं है, आपका जो तीसरा है ये गलत हो चुका है। गलत क्यों है? क्योंकि उसके समय में जो विधि है, यानी कि जो न्याय है जो विधि है, जो कानून है, ये उतना मजबूत नहीं है। इसका हमें जो है चर्चा कहाँ से मिलता है? वेन सांग से। वेन सांग ने खुद अपने विवरण में लिखा है कि इसको जो है वेन सांग को लूट लिया गया था हर्ष के साम्राज्य में। और जब ये नालंदा या बंगाल जा रहा था तो हर्ष ने सेना इसके साथ लगाई थी ताकि इसको इसके स्थान पे पहुंचाया जा सके आसानी से। तो यानी कि न्याय और कानून यहाँ पे अच्छा नहीं है, कम से कम कानून व्यवस्था अच्छा नहीं है। तो अगर कानून व्यवस्था अच्छा नहीं है हर्ष के समय में, तो आप देख रहे हैं कितना आसानी से उत्तर मिल गया। दूसरा भी हट गया, तीसरा भी हट गया, चौथा ऑप्शन भी हट गया, यानी कि पहला दूसरा बिल्कुल सही है। इसके पदाधिकारियों को शासन पत्र के द्वारा भूमि देने की प्रथा चलाई थी इसने, सही है। और इसमें साम्राज्यिक यानी कि राजकीय आय चार भागों में बांटी जाती थी, ये भी सही है। हर्ष के शासनकाल के बारे में दोनों बातें सही हैं, तीसरा बात सही नहीं है, हर्ष के समय में कानून व्यवस्था अच्छी नहीं थी। अगला प्रश्न है बच्चों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये प्रश्न शायद ही कोई ऐसा एग्जाम हो जिसमें पूछा ना गया हो। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना हर्ष के द्वारा रचित मानी जाती है? आपको बताना है कि हर्ष ने कौन सी रचनाओं को लिखा है। पहला है प्रियदर्शिका, दूसरा है रत्नावली, तीसरा है नागानंद और चौथा है उपरोक्त सभी। तो बताएंगे बच्चों कि कौन सी रचना है जो हर्ष द्वारा लिखी गई है। क्या केवल प्रियदर्शिना है, या रत्नावली है, या नागानंद है, या सभी रचनाएं हर्ष की हैं? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए इजी भी होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में आया हुआ है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपकी तीनों रचनाएं जो हैं ये हर्ष की मानी जाती हैं, हर्ष के द्वारा लिखी गई हैं, ऐसा उल्लेख देखने को मिलता है। अगला प्रश्न भी आपका कूट का है और कूट की सहायता से आपको सही उत्तर बताना है। पहला आपका स्टेटमेंट है, हर्ष चरित नामक पुस्तक की रचना हर्ष ने की थी। क्या ये बात सही है कि हर्ष चरित नामक रचना को हर्ष ने लिखा है? दूसरा, चालुक्य राजा पुलकेशिन की राजधानी बादामी थी। क्या ये बात सही है? तीसरा, हर्ष का प्रशासन गुप्तों की तुलना में अधिक सामंतिक विकेंद्रीकृत था। तो आप बताएंगे कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही नहीं है, सॉरी बच्चों सही है, यानी कि आपको सही कथन बताने हैं और आपके सामने कूट है, कूट की सहायता से आप बता सकते हैं। और इस प्रश्न में भी कोई दम नहीं है, आपके सामने जितने कूट के प्रश्न आ रहे हैं वो देखने में भले आपको भारी भरकम लग रहे हो, लेकिन कोई दम नहीं है इन प्रश्नों में। कैसे नहीं है बच्चों? आप देखेंगे पहला स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए, हर्षचरित नामक पुस्तक की रचना हर्ष ने की थी। क्या ये बात सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है। हर्षचरित नामक जो पुस्तक है इसकी रचना इनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने किया था, इसलिए आपका पहला गलत हो गया। आप अगर पहला गलत हो गया तो कूट पर थोड़ा नज़र जो है डालिएगा कि आपका पहला भी हट गया, दूसरा भी हट गया और चौथा भी हट गया, यानी कि मात्र दूसरा तीसरा सही है। आपको आपका सही आंसर प्राप्त हो चुका है कि चालुक्य राजा पुलकेशिन की जो राजधानी थी ये बादामी थी, बिल्कुल सही है। और हर्ष का प्रशासन गुप्तों की तुलना में अधिक सामंतिक यानी कि विकेंद्रीकृत था। तो दोनों बातें सही हैं बच्चों। एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि जो पुलकेशिन हैं इन्होंने हर्ष को कौन सी नदी के किनारे हराया था, और पुलकेशिन को दक्षिण में साम्राज्य विस्तार से किसने रोका था? दक्षिण में साम्राज्य विस्तार से किसने रोका था, यानी कि किसने इनको हराया था? ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि हर्ष को हराया है पुलकेशिन ने, कौन सी नदी के किनारे ये बताना है, और पुलकेशिन को किसने दक्षिण में हराया, हर्ष को पुलकेशिन ने हराया तो पुलकेशिन को किसने हराया, इसका उत्तर जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका उत्तर आप लोगों को पता होना चाहिए। तो चलिए अगला देखते हैं आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, हर्ष का पूर्वी भारत के राजा पुलकेशिन से युद्ध हुआ।
उसका दक्षिण की ओर मुकाबला सैव राजा शशांक से भी हुआ। आपको बताना है बच्चों कि कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है, उपर्युक्त में से कौन सा सही है। आपके सामने कूट है केवल पहला दूसरा या केवल दूसरा या कोई नहीं। प्रश्न में कोई दम नहीं है। हमारे बच्चे जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए तो ये प्रश्न बिल्कुल एक मिनट का प्रश्न है और इसको पढ़ते पढ़ते ही वो समझ गए होंगे कि कौन सा सही नहीं है। हालांकि यहाँ पे सही बताना है। तो आपका पहला क्या है, हर्ष का पूर्व की ओर जो विस्तार है या जो युद्ध हुआ था, वो पूर्व की ओर जो युद्ध हुआ था वो हुआ था राजा शशांक से, और हर्ष का जो दक्षिण में मुकाबला हुआ था वो हुआ था पुलकेशिन से। इसलिए आपका गलत हो गया। पहले का जो उत्तर है शशांक हो जाएगा और दूसरे का उत्तर जो है ये पुलकेशिन हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको पता चल गया होगा कि हर्ष का मुकाबला पूर्व में शशांक से, दक्षिण में पुलकेशिन से हुआ था, और पुलकेशिन से कौन से नदी के किनारे हुआ था ये भी बताइएगा। साथ ही बताइएगा पुलकेशिन का दरबारी कवि कौन था जो अपने आप को बहुत ही योग्य बताता है, जो अपने आप को भारवी और कालिदास के समकक्ष बताता है। तो दोनों कथन सही नहीं है बच्चों, यानी कि कोई नहीं, यानी कि आपका कोई नहीं हो जाएगा। तो ये आपका सही हो गया। चलिए अगला देखते हैं, हर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। हर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि सही है, आपको ये बताना है। पहला स्टेटमेंट है चीनी यात्री ह्वेनसांग उसके राज्य में 15 वर्षों तक रहा था, क्या ये बात सही है। दूसरा है वाण भट्ट उसका दरबारी कवि था, क्या वाण भट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। और तीसरा, उसको अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है, क्या हर्ष को अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। तो बताएंगे बच्चों आपके सामने कूट है, क्या पहला दूसरा सही है या केवल दूसरा सही है या पहला तीसरा सही है या पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। तो आपको बताना है बच्चों कि आपका कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है, और ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और इसका उत्तर आप लोगों को देना है। और आई होप आपको पता है, कुछ बातें तो हमने आपको ऐसे ही बता दी हैं। आपको पता है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग इनके दरबार में आया था और इनके राज्य में 15 वर्ष रहा, ये बात बिल्कुल सही है, और इनके दरबारी कवि वाण भट्ट हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, और ये उत्तर भारत के अंतिम हिंदू सम्राट भी माने जाते हैं, ये बात भी सही है। यानी कि तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि जो सही ना हो। चलिए बच्चों आपके लिए एक बढ़िया क्वेश्चन जो है आप लोगों को आपको फटाफट इसका आंसर देना है, और ये प्रश्न भी आपका बहुत ही अच्छा है। प्रश्न है बच्चों, बताइएगा बोगाज कोई अभिलेख, आपने नाम सुना होगा बोगाज कोई अभिलेख का, जो कि आपके एशिया माइनर में मिला है। बोगाज कोई अभिलेख या मध्य एशिया का है। बोगाज कोई अभिलेख में कौन से देवता का उल्लेख नहीं है, अभिलेख में कौन से देवता का उल्लेख नहीं है आपको ये बताना है बच्चों। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, एग्जाम में अनगिनत बार आया है, कौन से देवता का उल्लेख नहीं है। पहला है इंद्र, दूसरा है मित्र, तीसरा है वरुण और चौथा है प्रजापति। आपको बताना किसका उल्लेख नहीं है आपके बोगाज कोई अभिलेख में, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसका उत्तर आप लोग बता सकते हैं। और आई होप आपके नज़रों से ये ज़रूर ही गुजरा होगा। आपका जो पहला है ये बिल्कुल सही है, दूसरा भी सही, तीसरा भी सही है, लेकिन चौथा सही नहीं है, क्योंकि ये प्रजापति नहीं है, बल्कि यहाँ पर कौन होने चाहिए थे, नासत्य या अश्विन होने चाहिए थे, नासत्य या अश्विन होने चाहिए थे, नासत्य या अश्विन होने चाहिए थे। तो याद रखेंगे बच्चों आपका चौथा जो है ये सही नहीं है, बाकी सारे स्टेटमेंट आपके बिल्कुल करेक्ट हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और बच्चों एक दो क्वेश्चन का और जवाब दीजिएगा, आप लोगों के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि पुरुषार्थ, यानी कि जो आपके पुरुषार्थ हैं, पुरुषार्थ कितने हैं बच्चों, पुरुषार्थ कितने हैं आप सभी को पता होगा कितने हैं, एग्ज़ाम में पहले आया करते थे। चार पुरुषार्थ हैं, जिसमें आपका है जो है धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम और चौथा है मोक्ष। तो आपको बताना है बच्चों कि इसमें से कौन सा पुरुषार्थ है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दीजिएगा, कौन सा है जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये, याद रखेंगे।
कि चार पुरुषार्थों में जो कि एक व्यक्ति को अपने जीवन काल में पूरा करना होता है, ये चार उत्तरदायित्व हैं। इसमें जो आपका काम है ये सबसे अच्छा माना गया है। यानी कि काम का मतलब है संतानों उत्पत्ति, यानी कि आपके पिता ने आपको इस दुनिया में लेकर के आए और आपको भी अपनी जो है पीढ़ी छोड़ जानी है ताकि ये दुनिया, ये संसार हमेशा चलता रहे। इसीलिए चार पुरुषार्थों में काम को सबसे अच्छा माना गया है। जो मतलब संतानों उत्पत्ति है ये सबसे अच्छा माना गया है। और बताएँगे बच्चों कि जो आपका चार आश्रम है, इन चार आश्रमों में सबसे अच्छा आश्रम किसे माना गया है, चारों आश्रमों में कौन सा आश्रम सबसे अच्छा है। आप सभी को पता है पहला आश्रम जो है ये ब्रह्मचर्य है, ब्रह्मचर्य है। और आपका दूसरा जो है ये गृहस्थ है, गृहस्थ। और आपका तीसरा जो है ये वानप्रस्थ है, वानप्रस्थ। और आपका जो चौथा है ये है संन्यास। तो बताएंगे बच्चों कि आपका इन चारों में सबसे अच्छा आश्रम कौन सा माना जाता है। और ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आया हुआ है। जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए रहते हैं मैं आप लोगों से वही पूछती हूँ ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर रहे और एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। आप लोगों के प्यार और आप लोगों के सहयोग से बच्चों इतनी हिम्मत होती है कि आप लोगों को ढेर सारा जानकारी उपलब्ध करा दें। आप लोगों का प्यार और सहयोग बहुत ही अच्छा है जिससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। इसके लिए आप लोगों को दिल से बहुत बहुत ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद और बहुत सारी दुआएं। तो आपको बताएंगे बच्चों कौन सा है। तो आपको पता है गृहस्थ आश्रम को ही सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि गृहस्थ आश्रम में ही व्यक्ति अपने सभी कर्तव्यों का अच्छे से निर्वहन करता है। पितृ ऋण से उऋण होता है, ऋषि ऋण से उऋण होता है, इसके अलावा देव ऋण से इसी में उऋण होता है। और इसी आश्रम में रहते हुए लगभग सभी कर्तव्यों, सभी उत्तरदायित्वों का निर्वहन करता है। इसीलिए गृहस्थ आश्रम को सबसे अच्छा माना जाता है। तो इसमें कोई डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए, बहुत ही बढ़िया है। बच्चों आंसर दीजिएगा, इन चारों आश्रमों का उल्लेख कौन से उपनिषद में मिलता है, इसका उत्तर आप लोग जरूर दीजिएगा। और इन चारों आश्रमों में कौन सा आश्रम अच्छा नहीं माना जाता या आश्रम त्रय में कौन शामिल नहीं है। पहला क्वेश्चन कि चारों आश्रमों का उल्लेख कौन से उपनिषद में मिलता है। दूसरा क्वेश्चन कि आश्रम त्रय में कौन सा आश्रम शामिल नहीं है, जैसे वेद त्रय है कौन सा वेद शामिल नहीं है, द्विज में कौन शामिल नहीं है, आश्रम त्रय में कौन सा आश्रम शामिल नहीं है, प्रस्थान त्रय में कौन शामिल नहीं होता। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। अगर आप लोग कर्मठी बच्चे हैं, मेहनत करते हैं, जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो ज़रूर आप ऐसे चीज़ों को चैलेंज लिया करें, सर्च करें, ना आए तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करें। आपको तो हर तरह की सुविधा है, हम तो आपके लिए ऑफलाइन ऑनलाइन हर वक्त तत्पर हैं। बस आप लोग मेहनत करना शुरू कर दीजिए। जिस दिन आप लोग अपनी मेहनत बढ़ा देंगे, जिस दिन मुझे लगने लगेगा कि नहीं हमारे बच्चे हमें प्यार के साथ साथ मेहनत भी करते हैं और हमारी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, हमारी बातों की वैल्यू करते हैं, उस दिन हम शायद आपके लिए और भी ज़्यादा मेहनत कर पाएंगे। शायद उस दिन लगेगा कि नहीं बच्चे हमारे बहुत मेहनत कर रहे हैं तो हमें और मेहनत करने की ज़रूरत है, तो उस दिन आपके साथ साथ हम और ज़्यादा मेहनत करने लगेंगे। और अगर किसी तरह की क्वेरी है वो भी बताएँ, अगर कोई समस्या है वो भी बताएँ, बेझिझक जो भी दिक्कतें हों आप लोग बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं बच्चों, नेक्स्ट डे हम फिर मिलेंगे ऐसे ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ और आप लोगों को नई नई जानकारी उपलब्ध कराएंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।